हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज कुछ नया स्टाइल से कोस्टर्स बनाऊंगी, डिफरेंट स्टाइल से ट्राई कर रही हूँ। ये कुछ मैंने सिलिकॉन के मोल्ड्स ले लिए हैं और इनको मैं सबसे पहले वेट वाइप से साफ कर दूँगी। और कुछ मैंने न्यू कलर्स लिए हैं जिनसे मैं ट्राई करूँगी, इपॉक्सी के हैं और कुछ एल्कोहलिक इंक है, बबल बास्टर है और डिस्पोजल ग्लासेस, साथ में वुडन स्टिक्स। तो इन सब की हेल्प से मैं कुछ नए पोस्टर बनाने जा रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, मैंने सारा रेजिन घोल लिया, अलग अलग मैंने सारे कप्स में अलग अलग कलर्स पोर कर लिए। तो इनको अब मैं वन बाय वन सबको धीरे धीरे इनमें पोर कर दूँगी। आप अपने मनपसंद के कोई भी कलर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी पर्पल और इनको दबाली धीरे धीरे साइडों में पोर करूँगी। बस आपको अपना जो भी कलर पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, धीरे धीरे इसमें। इसी तरह मैं अपने सारे ही कलर इसमें डालूंगी। क्योंकि मैं ये जियोड स्टाइल बना रही पोस्टर। इसी तरह मैं अपने सारे ही पोस्टर बनाऊंगी। अब मैं कुछ गोल्डन डाल दूंगी ऊपर से। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने कैसे स्टाइल से सारे इसमें रंग पोर करे हैं और कुछ ग्लिटर चंक्स भी डाले हैं। ये मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल से बना रही थी, अब बंद कुछ और गया है। तो जब ये सूख के डीमोल्ड होंगे तभी पता चलेगा। कुछ मैंने ये एल्कोहल इंक का भी ट्राई किया है, फ्लावर बनाने की कोशिश करी है। जब ये दोस्तों डीमोल्ड होंगे तब मैं दिखाऊंगी। मैंने सारा काम ऑफलाइन इसलिए किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर ऐसे में दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जब मैं इसको डीमोल्ड करूँगी तो आपको दिखाती हूँ। मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बाकी डीमोल्ड होके ही पता चलेगा। चलिए अब इसको मैं सूखने के लिए रख रही हूँ, डीमोल्ड करके बताती हूँ। दोस्तों, हमारा अब ये सूख गया है तो इसको मैं अब डीमोल्ड करूँगी। डीमोल्ड करने के बाद हमें पता चलेगा कैसे है। तो दोस्तों, हमारा ये पीछे से आगे से हर जगह से बड़ा ही अच्छा निकला है। तो ये दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप किसी भी जगह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं ये अल्कोहल इंक वाला निकाल रही हूँ, देखते हैं ये कैसे बना है। तो वाह दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर हमारा फ्लावर निकल के आया है। अब इन सबको मैं पोस्का मास्कर टैको मार्कर पेन से इसकी मैं आउटलाइनिंग कर दूँगी और मैं ये सारे ही डीमोल्ड करके अभी आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले हम इनका मैं आउटलाइनिंग करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे ऐसे सारे को आउटलाइनिंग कर लेंगे तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बन के आएगा। तो चलिए इन सबको हम पहले आउटलाइनिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारी जगह गोल्डन मार्कर पेन से इसको मैंने कर लिया है और हमारे सारे कोस्टर रेडी हैं। इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको मैं बता देती हूँ। हम ऐसे रख के इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारा बड़ा ही सुंदर बन के आया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।